नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। चुनावी साल में उत्तराखंड की धामी सरकार एक बार फिर से बड़े फैसले ले सकती है। 24 सितंबर को धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक को लेकर धामी कैबिनेट में मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा से संबंधित प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। दरअसल मंगलवार को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना और उच्चीकरण के साथ नए पदों का सृजन करने की घोषणा की है। घोषणा को अमल में लाने के लिए विभाग से जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। इसी तरह सहकारिता विभाग के अंतर्गत पैक्स सचिवों की नियमावली, सहकारिता विभाग के ढांचे का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के तहत गोल्डन कार्ड नियमावली में संशोधन और आपदा और पुनर्वास विभाग में संविदा कार्मिकों को 3 वर्ष के लिए समय विस्तार संबंधी नियमावली बनाई जानी है। कम्युनिटी रेडियो की स्थापना, आपदा विभाग का ढांचा और विस्थापितों के लिए पुनर्वास नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश की धामी कैबिनेट 24 सितंबर को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में रोजगार को लेकर भी कुछ और अहम फैसले ले सकती है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।